एक और फीचर जो भाई ने हमें बताया है कि जैसे अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन है ना और आपने गाड़ी बंद कर दिया, आप चले गए कहीं पे गाड़ी लॉक करने के बाद, लॉक करके, तो गाड़ी ऑटोमेटिक लो बीम में हो जाएगी और ऑटोमेटिक ही इसकी आप जो फ्रंट की वो है ना लाइटें ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। और जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करोगे ना तो ऑटोमेटिक ही इसकी लो बीम पे अपने आप लाइटें ऑन हो जाएगी, यानी कि आप वो टेंशन नहीं रहने वाली कि गाड़ी की लाइटें ऑन है और आपको आप गाड़ी छोड़ के भी चले गए हो तो गाड़ी की बैटरी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट में भी देख लो ये जबरदस्त फीचर है भाई, यानी कि आप गाड़ी भी छोड़ के चले जाओगे ना लाइट ऑन के साथ तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होने वाली, मान लो कि बैटरी खत्म नहीं होने वाली। तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके, मैं विनोद सैनी स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल की एक और वीडियो में, जो कि आज होने वाले किया सेल्टोस की HTE वेरिएंट है, सबसे बेस वेरिएंट है, पेट्रोल में है, पेट्रोल और डीजल सब में आता है, HTE जो है इसका बेस वेरिएंट है। वेरिएंट की बात करना था इसमें HTE, HTK, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस, GTX और एक्स लाइन वगैरह ऐसे करके वेरिएंट आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेस है। तो आज बेस में देखें हम कंपनी की तरफ से हमें क्या कुछ मिला है और कंपनी क्या कुछ देती है इसके अंदर, और फर्स्ट टाइम है आज जो हम किया सेल्टोस की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रंट से शुरुआत करते हैं भाई, फ्रंट में बात करें ना तो जी इसका हेडलैम्प यूनिट है भाई, भाई ने तो LED डलवा ली है इसमें, लेकिन आते सिंपल है, हेलोजन बल्ब के साथ आते हैं लेकिन भाई ने LED डलवा लिया। इस तरफ अपना टर्न इंडिकेटर है, फॉग लैम्प नहीं आते बेस मॉडल में, ये भी भाई ने बाहर से लगवाए हैं जिसकी गाड़ी है। अगर ऑन रोड की बात करें ना गाड़ी की तो ये पड़ी है 12.5 लाख रुपये की और अप्रैल 2023 का ही वेरिएंट है, यानी कि पिछले महीने का, अभी मई चल रहा है, अप्रैल 2023 का है। फ्रंट ग्रिल की बात करें ना तो रेडिएटर ग्रिल देख सकते हो आप, इसकी ऐसी कुछ रेडिएटर ग्रिल है, फ्रंट में टोइंग वाला वो आता है लेकिन वो नहीं आता है इसमें, पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं है। और अगर साइड प्रोफाइल से बात करें ना तो भाई ने अलॉय डलवा रखे, अलॉय डलवाने के बाद गाड़ी की लुक देखो, काफ़ी मस्त लुक दे रही है ना गाड़ी। तो अलॉय की बात करें तो भाई ने 20 इंची अलॉय डलवाया जिनके ऊपर खर्चा किया 1 लाख रुपए का, टायर भी चेंज हो गए इसके। अगर अब टायर साइज की बात करें ना तो 245/40R20 का साइज है इसमें, ठीक है भाई। और अगर साइड से बात करें यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आ गया इसका। मिरर की बात करें तो ड्यूल टोन कलर में है, वाइट और ब्लैक में, ठीक है। अगर डोर हैंडल की बात करें ना तो भाई बेस मॉडल में भी ना देखो डोर हैंडल क्रोम वाले मिलते हैं इसमें, हो सकता है एक्सेसरी का पार्ट हो, लेकिन भाई ने कहा कि कंपनी ने जो दिया है बस वही है, इन्होंने बाहर से कुछ नहीं कराया, अलॉय के अलावा कुछ नहीं डलवाया, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं आता डोर पे। अगर बैक से बात करें ना तो ऐसा कुछ इसका बैक व्यू है, बैक में ऊपर की तरफ डिफोगर वगैरह नहीं आता, ये इसका टर्न इंडिकेटर वगैरह रहने वाले हैं, स्टॉप लैंप वगैरह इसमें आ जाएंगे। नीचे की तरफ 2 रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर में हमें सिल्वर क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। अगर नीचे से बात करें ना तो 2 पार्किंग सेंसर ऊपर की तरफ, 2 निचले बम्पर में, यानी कि 4 पार्किंग सेंसर इसमें आने वाले हैं। नीचे की तरफ एग्जॉस्ट हो गया इसका, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ पे किया का लोगो, इस तरफ सेल्टोस का लोगो, ठीक है। ऊपर डिफोगर वगैरह, रेन वाइपर वगैरह कुछ नहीं आता क्योंकि बेस वेरिएंट है। स्पॉइलर नहीं है, स्पॉइलर की तरह थोड़ी सी लुक बाहर निकली हुई है, लेकिन इसमें स्टॉप लैंप इसमें देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ सारक्षण एंटीना हमें इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर इसके उसकी बात करें ना सेकंड रो की, विंडो चारों ही पावर है भाई, ये अच्छी बात है, चारों विंडो पावर है और स्पेस भी काफ़ी अच्छा है भाई। फर्स्ट टाइम बैठा हूँ मैं किया सेल्टोस में, ठीक है, और फर्स्ट टाइम इसका रिव्यू कर रहे हैं। अगर पीछे बात करना है, इसमें 2 AC वेंट हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं, एक USB पोर्ट और थोड़ी सी जगह, यानी कि इसमें कुछ भी सामान हम रख सकते हैं। 3-पिन सीट बेल्ट और जो हेडरेस्ट है ना ये भी फिक्स है, पीछे वाली सीट भी फिक्स है, 60/40 में नहीं है, यानी कि बेस मॉडल में 60/40 में सीट नहीं आती। पीछे की तरफ इधर इसका क्वार्टर पैनल, ये वाला मिरर भी अच्छा खासा है। ऊपर की तरफ लाइट सिंपल सी LED लाइट है भाई, और इस तरफ ग्रैब हैंडल हमें इसमें देखने को मिल जाएंगे। अगर एक बार इसके बूट स्पेस की बात करें ना तो बूट स्पेस देख लेते हैं भाई, बूट स्पेस भी गाड़ी में काफ़ी बड़ा है, होल्ड करके रखता है शायद खुल जाए, नहीं खुला नहीं है, ये देखो भाई गाड़ी का बूट स्पेस भी ना अच्छा खासा बूट स्पेस है गाड़ी में, बूट स्पेस की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। इस तरफ थोड़ा सा स्पेस, यानी कि गाड़ी में थोड़ा स्पेस, और नीचे स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है। अगर स्पेयर व्हील के साइज की बात करें ना तो ये सोलस वगैरह का देखती है, जो कंपनी ने दे रखा है भाई SA01
अगर इसके टायर साइज की बात करें ना तो 265 R16 का साइज है भाई, यानी कि स्टैंडर्ड जो साइज आता है ना R16 का आता है, लेकिन इसमें डलवा रखे हैं अभी 20 इंच के अलॉय। 20 इंच अलॉय डलने के बाद आप गाड़ी देख सकते हो भाई कैसी लग रही है। किया सेल्टोस गजब कार लग रही है भाई, साइड भी देखो एक बार। 20 इंच अलॉय डलवाने के बाद गाड़ी ऊंची भी हो गई है। अगर इसके फ्रंट रो से बात करें ना तो फ्रंट रो में हमें क्या मिलने वाला है, चारों विंडो तो पावर है जो मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई, ठीक है। और इस तरफ ये जो है ना सिल्वर कलर में है, ये क्रोम में नहीं है। यहाँ पे लॉक अनलॉक, नीचे की तरफ स्पीकर यानी कि बोतल होल्डर के साथ थोड़ा सा स्पेस इसमें हमें देखने को मिल जाएगा। यहीं से बैठ के आप गाड़ी को लॉक अनलॉक भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। और इसके साथ ही अगर सीट की बात करें ना, सीट में हाइट एडजस्टमेंट आती है भाई, बेस मॉडल में भी इसके हाइट एडजस्टमेंट आती है। नॉर्मली गाड़ियों में बेस मॉडल वगैरह में हाइट एडजस्टमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलती, और आगे पीछे तो आप इसको वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। सीट कवर की बात करना ना तो ये है कि लेदर में नहीं है सीट, इस सीट कवर इसके जो फैब्रिक में दे रखे हैं, यानी कि सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कि लेदर वगैरह में, क्योंकि बेस वेरिएंट है, बेस में हमें ऐसे ही देखने को मिलता है। अगर फ्रंट की बात करना तो फ्रंट वाले जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं, पीछे वाले फिक्स हैं, पीछे वाले नहीं हैं, ठीक है। अगर स्टेयरिंग व्हील की बात करना, स्टेयरिंग व्हील पर हमें क्या कुछ ऑप्शन मिलने वाला भाई, स्टेयरिंग व्हील देख सकते हो आप, इसका गोल सा स्टेयरिंग व्हील है, नीचे की तरफ वही सिल्वर क्रोम में है। इस तरफ ये जो बटन है ना इसके, ये MID स्क्रीन के बटन है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। इस तरफ म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड बटन मिल जाएंगे, यहाँ पे मोड वगैरह जो भी अपना आने वाला है भाई, इस तरफ मोड वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। मैनुअल में है जैसा कि मैंने बता दिया था, बेस वेरियंट है, मैनुअल ही AC है, ये देखो मैनुअल AC है, मैनुअल ही आपको इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। AC वेंट है जो, ये भी सिंपल से दे रखे हैं, यानी कि ब्लैक से फिनिशिंग में दे रखे हैं, हल्की सी वो देते हैं ये गाड़ी में ना, क्या नाम लेते हैं इसको, ब्लैक सी ग्रेस देते हैं। और यहाँ पे ऑडियो फोन फेवरेट या सीक ट्रैक वगैरह मेन्यू लॉक वगैरह का बटन इसमें हमें देखने को मिल जाएगा भाई। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है ये, देख भी रहे होंगे आप, ब्लूटूथ रिमोट लॉक या फिर डेट टाइम वगैरह आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। इस तरफ मैनुअल में है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है ये। और यहाँ पे एक 12 volt का चार्जिंग सॉकेट, और इसके साथ एक USB पोर्ट, और एक इस तरफ चार्जिंग पोर्ट हमें इसमें देखने को मिलने वाला भाई। स्टेयरिंग पे मोड चेक करें कौन कौन से मोड है इसमें, नहीं ये तो उस तरफ मोड दिखाता है भाई, इस तरफ वाले मोड नहीं है। कभी आप ड्राइविंग मोड सोच लो कि यहाँ से ड्राइविंग मोड है, ड्राइविंग मोड नहीं है ये, तो यहाँ पे FM वगैरह AM वगैरह यहाँ से चेंज करता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर, और ये आपका हैंड ब्रेक, और इसी के साथ एक जो अपना ये जो आर्म रेस्ट है, ये भी क्या है कि हार्ड प्लास्टिक में है। इसमें स्पेस देख सकते हो आप, स्पेस तो काफ़ी अच्छा है भाई, किया गाड़ियाँ अच्छी बना रही है, अच्छी गाड़ी ने मार्केट अच्छी काफ़ी अच्छी खासी मार्केट इसने पकड़ ली। इस तरफ ग्लब बॉक्स हमारा आने वाला है। अगर फ्रंट डैशबोर्ड की बात करना तो 2 कलर में है, ऊपरी तरफ ब्लैक सा, ये अलग कलर है भाई, ठीक है। और इस तरफ AC वेंट देख सकते हो आप, इसके AC वेंट इसके यहाँ पे सिल्वर, जो सिल्वर पेंट वगैरह है। अगर इसकी साइड मिरर की एडजस्टमेंट करनी होगी तो आपको नॉर्मली ही करनी होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वगैरह इसमें हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ से आप इसका फ्यूल टैंक वगैरह ओपन कर सकते हो। और इस तरफ बात करना तो ट्रैक्शन कंट्रोल का, आइडल ऑन ऑफ का, और लाइट एडजस्टमेंट का बटन आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें भाई तो 240 टॉप स्पीड के साथ यहाँ पे बीच में MID स्क्रीन, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि अभी दिखा रही है कि साइड की आपकी वो खुली हुई है, इस तरफ ट्रैक्शन कंट्रोल दिखा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे बैटरी वगैरह या कूलेंट वगैरह का जो भी साइन आ रहा है इस तरफ, और इस तरफ RPM मीटर, और यहाँ पे वो ही अपना वो कूल हीट वगैरह यानी कि टेम्परेचर वगैरह का, रेडिएटर वगैरह का बटन दिखा रहा है। टॉप वेरियंट में तो फ्रंट डैशबोर्ड और भी अच्छा खासा लगने वाला है, ये देखो भाई। बात करें ना तो एक सनग्लास होल्डर, और यहाँ पे लाइट वगैरह LED लाइट हमें देखने को मिलने वाली है। डोर वगैरह पे भी आप इसको कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो इसकी ये लिंक ली हुई है ना फ्रंट में, यानी कि टॉप में टच हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगने वाला। फर्स्ट टाइम हमने किया सेल्टोस का रिव्यू किया, तो भाई आप कमेंट करके जरूर बताओ ना कि आपको कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी। और एक बार इसकी चाबी की बात करना, चाबी भाई स्मार्ट सी चाबी देते हैं, लॉक अनलॉक, और इसको होल्ड करके आप इसका बूट का गेट खोल सकते हो भाई आराम से। तो एक और फीचर जो भाई ने हमें बताया है कि जैसे अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन है ना और आपने गाड़ी बंद कर दिया, आप चले गए कहीं पे गाड़ी लॉक करने के बाद, लॉक करके, तो गाड़ी ऑटोमेटिक लो बीम में हो जाएगी, और ऑटोमेटिक ही इसकी आप जो फ्रंट की वो है ना लाइटें,
ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करोगे ना तो ऑटोमेटिक ही इसकी लो बीम पे अपने आप लाइटें ऑन हो जाएगी, यानी कि आप वो टेंशन नहीं रहने वाली कि गाड़ी की लाइटें ऑन है और आपको आप गाड़ी छोड़ के भी चले गए हो तो गाड़ी की बैटरी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट में भी देख लो ये ज़बरदस्त फीचर है भाई, यानी कि आप गाड़ी भी छोड़ के चले जाओगे ना लाइट ऑन के साथ तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होने वाली, मान लो कि बैटरी ख़त्म नहीं होने वाली। तो ग्राउंड स्पेस की बात करना, ग्राउंड क्लीयरेंस की, अच्छा खासा ग्राउंड क्लीयरेंस है, बाकी तो 20 इंच अलॉय डलने के बाद तो ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा बढ़ ही गया होगा। फ्रंट के ब्रेक की बात करें तो डिस्क ब्रेक है, और पीछे के ब्रेक की बात करें ये भी चारों डिस्क ब्रेक आते हैं भाई इसमें, देखो चारों के चारों डिस्क ब्रेक है बेस मॉडल में भी, यानी कि किया थोड़ा सा हुंडई से ऊपर है, जबकि हुंडई और किया दोनों पेरेंट ही कंपनी है, यानी कि एक दूसरे की है, बट है अच्छी किया सेल्टोस, अच्छी लगी मेरे को देखने में। ऑन रोड की बात करें तो 12.5 लाख की पड़ी है, वैसे तो कस्टमर का कहना है कि 13 लाख के समथिंग ये पड़ती है, लेकिन इनको कुछ जानकारी वगैरह होगी तो 12.5 लाख की पड़ी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, थैंक यू।